थैंक यू फॉर 1K सब्सक्राइबर्स। बहुत टाइम लग गया, 1.5 साल का टाइम लग गया, बट फाइनली थैंक यू। आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। सो वी आर बैक इन वडोदरा। इससे पहले मैंने वडोदरा का एक और वीडियो करा था, वो आपने अभी तक नहीं देखा, सो प्लीज गो ऑन माई चैनल एंड चेक इट आउट, या फिर मैं यहाँ पे कहीं पे आई बटन में लिंक दे दूंगी। सो आज हम लोग वडोदरा में एक दूसरा ब्लॉग कर रहे हैं, रात्रि बाजार का। वडोदरा में रात्रि बाजार इज लाइक जैसे अहमदाबाद में माणिक चौक है, तो यहाँ पे बहुत सारा यम्मी फूड मिलता है। वी आर गोइंग टू डिग इन टू इट। हमको कुछ ज़्यादा पता नहीं यहाँ पे क्या पॉपुलर है, क्या अच्छा मिलता है, क्या नहीं। वी आर जस्ट गोइंग टू एक्सप्लोर सम प्लेसेस रैंडमली। आई होप इट टर्न्स आउट वेल। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और चलते हैं हम लोग अपने डिलीशियस खाने की तरफ। भी मसाला अंदर से पैकेट में निकलता है वो, और एक्स्ट्रा जो मसाला था वो, अच्छा, सिंपल में खाली मैगी के अंदर से जो मसाला निकलता है वो डालेंगे। अच्छा, रुको मैं देख के बताती हूँ। ये सिंपल प्लेन मैगी में 60 रुपए की है, इसमें सिर्फ मैगी और मैगी का मसाला होगा, और ये 70 रुपए की है, बस इसका नाम चेंज कर दिया, इसमें भी मैगी और मैगी का मसाला होगा, और इसमें सिर्फ एक दो अपने खुद के मसाले डाल देंगे मामूली। मैंने पूछा दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों में मैगी और मसाला ही पड़ेगा। अच्छा, मतलब अलग अलग नाम रख के किस तरह लूट रहे हैं। देन वी वेंट टू अनदर प्लेस टू हमने सोचा चलो छोड़ो कुछ और खाते हैं। हम लोग गए फिर डोसा खाने के लिए, तो डोसा का स्टार्टिंग कुछ 100, सिंपल डोसा 80। देन भैया आके बोलते हैं कि ये जीनी डोसा ट्राई करो, और अगर पसंद ना आए तो मैं पैसे वापस कर दूंगा। मैंने फिर भाव देखा उसका, 240 का डोसा, और उसमें कुछ नहीं, बस दुनिया भर के सॉसेज और चीज डाल दो, कुछ घटिया सा फ्यूजन बना के 240। मतलब क्या लूट मचा रखी है भाई। Oh my God! बहुत हाई एक्सपेक्टेशन लेके आए थे ये रात्रि फूड बाजार में, पर सब कुछ इतना ओवर प्राइस है ना, मतलब मामूली मामूली चीज़ों को इतना ओवर प्राइस रख दिया। वी डिडंट इवन केयर टू ऑर्डर इट कि मंगा के देखते हैं कैसा है, नॉट एट ऑल। बस बेटा, बहुत बड़ी 200-300 रुपए तुम सिंपल सी मैगी और डोसा के लिए, नो वे यार। सो डोंट ट्राई इट, आई वुड से इट्स नॉट वर्थ इट। बस ओवर हाइप्ड है और कुछ नहीं है इधर। ओके, चलो नेक्स्ट। मैंने एक और जगह देखी थी मेरे घर के पास, वहाँ पे बहुत सही चाइनीज मिलता है जो मैंने कल खाया था, तो हम लोग उसी का वीडियो कर लेते हैं। बाकी यहाँ पे तो हम लोग पैसे वेस्ट करने वाले हैं नहीं, ठीक है, मिल रहे हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। Hey guys, welcome back to the vlog again। हम लोग रात्रि बाजार में हमने कुछ भी नहीं ट्राई किया फालतू का ओवर हाइप है, तो हम लोग यहाँ पे दूसरी जगह है, MSU यूनिवर्सिटी मेरे पीछे है, काफ़ी प्यारी लग रही है। तो इसके सामने एक छोटा सा नाइट फूड मार्केट लगता है, यहाँ पे खाना बहुत इकोनॉमिकल है एंड टेस्ट वाइज ऑल्सो इट इज़ बेटर। आई ट्राइड इट वन और टू टाइम्स बिफोर हियर एंड इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। सो लेट्स हैव सम डिलीशियस।
साथ हमको एक सांबार और एक कोकोनट चटनी मिला है। टेस्ट करके देखते हैं कैसा है ये। पहले मैं मसाला दिखा दूँ, इसके अंदर मसाला मसाला तो काफ़ी नॉर्मल ही लग रहा है, बहुत ज़्यादा मसाला हैवी नहीं, बट लेट्स ट्राई। और इस पर कोई चटनी भी लगाया हुआ है, ट्राई करके देखते हैं कैसा है ये। अब मेरी काफ़ी अच्छा मसाला इसका काफ़ी अच्छा है। चटनी इज ऑल्सो ओके बट द मसाला इज रियली गुड। इट्स यम। सांभर के साथ ट्राई करके देखते हैं। सांभर इज ऑल्सो गुड बट आई लाइक द फ्लेवर ऑफ द मसाला। मसाला का फ्लेवर काफ़ी अच्छा है। अभी हमने ले लिया है यहाँ पे एक प्लेट, नहीं इट्स एक्चुअली हाफ प्लेट मंचूरियन नूडल्स। पीछे वाले स्टॉल से मैंने ले लिया हाफ प्लेट मंचूरियन नूडल्स। दिस इज फॉर जस्ट 50 रुपीज़। का जो फुल प्लेट आता है वो प्लेट इतना बड़ा होता है और उसमें द क्वांटिटी सो गुड। उसमें लगभग 1 किलो से ज़्यादा नूडल्स आता है फॉर जस्ट 100 रुपीज़। अभी बहुत गर्म है, टेस्ट करके देखते हैं। द मंचूरियन इज सो क्रिस्पी, नूडल्स का टेस्ट एकदम लाजवाब है। सॉसेस भी बहुत ज़्यादा नहीं है कि सिर्फ सॉसेस का टेस्ट आए। मंचूरियन इज सो क्रिस्पी, वेजिटेबल्स डाली हैं, इतना मसालेदार, लाइक इट्स गिविंग दैट किक, इतना सही है ये। एंड
बट होल कॉलेज लाइफ वॉज अ लाइ. मैं मेरे कॉलेज में इतना नूडल्स 100 रुपए का मिलता था एंड हियर आई एम ईटिंग इट फॉर जस्ट 50 रुपीज एंड इट्स वर्थ इट रियली. इफ यू कम हियर यू मस्ट ट्राई दिस चाइनीज. और तीखा भैया और तीखा. बहुत सॉफ्ट फ्लेवर आ रहा है. पानी बहुत मस्त है. ये वाला थोड़ा मीठा था. ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा. लास्ट ऑफ फ्लेवर गार्लिक. Two hours later. जितने भी पानी है उतना सब में इतना मस्त फ्लेवर आ रहा है ना. लास्ट फ्लेवर लेमन का है. भैया और तीखा. I'm so busy absorbing the flavors, I don't know what to say. Heavenly. Aur beta. बिल्कुल सिंपल आलू की फीलिंग है और पानी बहुत जोरदार है. इसका मेन टेस्ट पानी की वजह से आ रहा है. यू मस्ट ट्राई ब्रो. कर लीजिए रखकर उनको. Guys, so this was today's video. So this was today's video. I know what time baad video dal rahi hu, but it was really busy. I would try to be consistent now. And once again, thank you for 1000 subscribers. Ek chhota sa sapna pura kar diya yaar. Thank you so much. वडोदरा में और कौन सी खाने की जगह कवर करूं वो बता दो मुझे. और मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए खाओ पियो और खुश रहो. मैं सारी डिटेल्स लोकेशन वगैरह डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. डोंट वरी. तो
खाओ भी और खुश हो। ओके बाय। बोला तो अभी हमने चिया डोसा तो ले लिया है, एक मसाला डोसा। क्या बोल रहा था? जितनी बड़ी तो दुकान नहीं, जितना बड़ा तो पोस्टर नहीं उतनी बड़ी तो दुकान है। नहीं, कुछ उल्टा बोला। उसके पहले क्या बोला था? बोला मैंने इतना बड़ा पोस्टर है, इतना जितनी तो दुकान नहीं उतनी बड़ा पोस्टर लगा डाला। पागल है। डोसा कितने का था? 240 का था। खाना है? ना ना। और मैगी? मैगी 60 रुपए की। उसमें उसमें कितना? 60 तो स्टार्टिंग था। उसमें कितना पैकेट मैगी डालेंगे? एक। और उसके साथ? उसके साथ मसाला एक ही। वो वैसे कितने का मिलता है? 12 रुपए का। 12 रुपए का मैगी मिलता है और 60 रुपए में बेच रहे। वाह, बहुत पैसा है। भागो 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 भागो। The quantity was so good. 1 किलो से ज्यादा नूडल्स फॉर जस्ट ₹100। ये 50 रुपीज का हाफ प्लेट है। नॉर्मली जब मैं पहले रेडी है, तम बाय बाय टाटा गुड बाय गया।